हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यूआई की दो तीन बड़ी अपडेट है दोस्तों, जस्ट आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो अपडेट है वो लेबर से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों। आप लोग टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि दुबई में अब ज़्यादा काम करने का झंझट वो ख़त्म हो गया है। तो प्रॉपर दोस्तों इस पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं रिसर्च करके दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट क्या है। तो जस्ट दोस्तों अभी अभी ये जस्ट अपडेट आया है, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ, ताकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई को ये अपडेट की जानकारी नहीं होगी, तो आप लोग इस न्यूज़ के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेना। क्योंकि जानकारी जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। नई जानकारी होने के कारण हम लोग को कुछ ना कुछ कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए दोस्तों ये मैं वीडियो आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अपडेट क्या है, आप लोग को मालूम है कि लेबर का दुबई में कितना लॉन्ग ड्यूटी हो जाता था दोस्तों। शाम को 7-8 बज जाता था, सुबह 5 बजे जाओ, और फिर शाम को बहुत लेट से हम लोग आते थे। तो कारण क्या था? अभी 2-2.5 महीना आप लोग भी मालूम है आप लोग को कि गर्मी की जो मतलब 12 से 3 बजे तक काम नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे लोग इंडिया में बैठे बैठे या और भी कंट्री में लोग सोचते थे कि उतना घंटा बैठा के कंपनी देता है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को उतना घंटा मैनेज करना पड़ता है, मतलब फिर से वो एडजस्ट करना पड़ता है। 2-2.5 घंटा जो रेस्ट होता है दोस्तों, वो शाम को उसे कवर कर, मतलब कंपनी को 8 घंटा ड्यूटी देना ही देना होता था। उसमें अगर 2 घंटा और ओवर टाइम कर लो तो शाम को जाने में कम से कम 7-8 बज जाता था। इसलिए दोस्तों आज 15 सितंबर के लिए एक गुड न्यूज़ दिया गवर्नमेंट, क्योंकि हर साल कभी ना कभी ज़्यादा गर्मी को होने की वजह से बढ़ा देता था ये गर्मी का जो छुट्टी होता था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि पूरे जो ये गर्मी का जो ये छुट्टी है दोस्तों, अब नॉर्मल जो पहले ड्यूटी चलता था दोस्तों, सुबह आराम से जितने बजे आप जाना चाहो, लगभग सारी कंपनियां वही 5 और 6 के बीच में ड्यूटी रखती है, और शाम को 5-6 बजे तक रिटर्न आ जाती है, वो भी 2 घंटा ओवर टाइम करके। और ऐसे दोस्तों अगर 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता तो 7-8-9 तक बच जाता था, क्योंकि 3 घंटा हम लोग जो बीच में रेस्ट करते थे, 2.5 घंटा उसको मैनेज करना पड़ता था, एडजस्ट करना पड़ता था। तो इसलिए दोस्तों मैं टाइटल और थंबनेल में लिखा कि अब दुबई में जो ज़्यादा काम करने का झंझट वो ख़त्म हो गया है। तो हम लोग को भी बहुत खुशी होता है, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि जल्दी जितना जल्दी हम लोग रूम में जाए। बहुत सारा कंपनियां खाना देती है वर्करों को, बहुत सारा कंपनियां खाना नहीं देती है, खुद से बना कर खाना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। और ज़्यादा लेट हो जाने के बाद शाम को अपने फैमिली से लोग बातें करते थे कि हाँ, आने के बाद कोई भी काम पर से आता है तो अपने फैमिली से बात वगैरह करता है, उसके बाद खाना वगैरह बनाता है, या फिर पहले खाना बना लेता है बाद में फ़ोन ऊन करता है, तो उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता था। तो आपके कंपनी में क्या कल से ड्यूटी का क्या सिस्टम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि कल से दोस्तों जैसे पहले ड्यूटी नॉर्मल चलता था वैसे ही ड्यूटी चलेगा, अब दुबई में गर्मी की छुट्टी नहीं रहेगा। तो बहुत सारा कंपनियां ऐसी भी है जो थोड़ा 1-1.5 घंटा अपने तरफ से एडजस्ट करती थी पहले, हाँ, मतलब वो 3 घंटा जो रेस्ट देती थी तो 2 ही घंटा काटती थी, 1 घंटा वर्कर को देती है, और बहुत सारे कंपनी है जो 3 घंटा के 3ों घंटा काटती है। तो आपको कंपनी में क्या कंपनी कैसी करती थी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये अपडेट था दोस्तों, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कल से परसों से फिर वही नॉर्मल ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, और गर्मी अभी दुबई में थोड़ा कम हो गया इसके कारण। तो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।